तो हेलो दोस्तों, मैं हूं आशीष। स्वागत है आपका इस बेहतरीन सी वीडियो में। और आज हम बात करने वाले हैं 4 स्टार रेटेड कार के बारे में, जो है टाटा टियागो का XE मॉडल। और देखा जाए भाई तो 5,60,000 रुपये में इस गाड़ी में काफी अच्छे अच्छे फीचर्स जो हैं वो ऑफर की गई हैं। सबसे पहले अगर जो आप इस गाड़ी के कंपटीटर की बात करते हैं, ओल्टो आ जाती है, एस्प्रेसो आ जाती है, कहीं ना कहीं वैगनार से भी ये मुकाबला कर लेती है अपनी टाटा टियागो। तो वही सारी चीजों को देखते हुए मैं आपके लिए एक बेहतर वेरियंट लेके आ गया हूँ। सिर्फ 5,60,000 रुपये की आपको एक्सोरूम पड़ जाती है। सबसे पहले यहाँ देखेंगे तो यहाँ पे आपको हैलोजन मिल जाएगा। लो बीम और हाई बीम आप यहीं से एडजस्ट कर सकते हैं। टर्न इंडिकेटर के प्लेसमेंट यहाँ पे दी गई है। फॉग लैंप वगैरह इसके बेस मॉडल में आपको नहीं मिलेगा। यहाँ देखेंगे तो ग्लॉसी फिनिश का यूज किया गया है। टाटा का लोगो यहाँ पे आपको सेंटर पे मिल जाएगा और ट्विन हुक जो है यहाँ पे ऑफर किए गए हैं। ओवरऑल गाड़ी फ्रंट से ऐसी नजर आती है, ऐसा बिल्कुल आपको फ्रंट से नहीं फील होगा कि ये बेस मॉडल है। साइड से देखेंगे तो गाड़ी कुछ ऐसी नजर आती है, और भाई जिस हिसाब से बेस मॉडल है तो उस हिसाब से इसमें आपको व्हील कैप वगैरह नहीं मिलेगा। टायर साइज की बात करेंगे तो 155/80R 13 इंच के, 13 इंच के आपको स्टील रिम मिल जाएंगे। आगे डिस्क मिलेगा, रियर में आपको ड्रम मिल जाता है। मैड फिनिश के साथ आपको ओवरमेंस मिल जाते हैं, मैड फिनिश के साथ आपको डोर हैंडल्स मिल जाता है। धीरे धीरे जब इसके रियर में आएंगे भाई तो ऐसे कुछ लुक निकल के आती है इसके रियर प्रोफाइल की। हाई माउंटेड स्टॉप लैंप ऑफर किया गया है, छोटा सा आपको स्पॉइलर मिल जाता है। टाटा का लोगो ऑफर किया गया है, टियागो लिखे गए हैं 3D में। जिस हिसाब से इसकी बॉडी है ना, काफ़ी बेहतरीन सा टेल लैंप ऑफर किया गया है। ये पूरी ब्रेक वाली यूनिट हो गई, टर्न इंडिकेटर्स और जो इसका रिवर्स लैंप है इस साइड आपको देखने को मिल जाता है इसका रिवर्स लैंप। रिफ्लेक्टर वगैरह नहीं ऑफर किया गया है। ये है कि 2 रिवर्स पार्किंग सेंसर आपको मिल जाते हैं, और इन पार्किंग सेंसर का ये काम होता है कि मान लीजिए 3 फीट का ये डिस्टेंस है, का बैक गियर लगाते हैं तो गाड़ी टू टू करके आपको बताती रहती है कि जो गाड़ी है वो टच होने वाली है। की को डाल के इसका जो बोट है वो ओपन कर सकते हैं। तो आपको 276 लीटर की आपको बोट स्पेस मिल जाती है। पार्सल ट्रे वगैरह नहीं मिलेगा। ये है कि आप देखेंगे तो 3 kg का हुक भी ऑफर कर दिया गया है। ये हो गया टाटा का बोनस, जो आपकी छोटी सी छोटी गाड़ियों में और बड़ी सी बड़ी गाड़ियों में ये चीज़ ऑफर कर दी जाती है। तो मेरे हिसाब से भाई ये सबसे अच्छी चीज़ है। और टूल किट्स वगैरह यहाँ पे रखी गई हैं। ये कि सेगमेंट के हिसाब से भाई काफ़ी अच्छा खासा बूट स्पेस ऑफर किया गया है, और इन सीट को आप फोल्ड भी कर सकते हैं। 2 बंदों की ट्रिप है, लॉन्ग टूर पे जब आप जा रहे हैं तो सीट को फोल्ड करके काफ़ी अच्छा खासा बूट स्पेस आप पा सकते हैं। आइए ले चलते हैं इसके इंटीरियर में। और यहाँ देखेंगे तो जब से टाटा आई है 25 साल में 50 लाख यूनिट टाटा सेल कर चुकी है। आइए इंटीरियर में ले चलते हैं। तो भाई काफ़ी स्टाइलिश आप देखेंगे तो मैट फिनिश के साथ आपको डोर ओपनर्स मिल जाते हैं। करते हैं डोर को ओपन। यहाँ देखेंगे तो जब आप डोर पर नज़र डालते हैं तो काफ़ी बेहतरीन सा ट्रीटमेंट यूज़ किया गया है। डुअल टोन के साथ आपको डोर मिल जाएगा। ये है कि बेस मॉडल है, उस हिसाब से तो आपको पावर विंडो वगैरह नहीं मिलेगा। बोल्टर होल्डर के साथ साथ पेपर होल्डर ऑफर किया गया है। सीट की बात करेंगे तो फैब्रिक की सीट मिल जाएगी, और यहीं से आप फ्यूल टैंक के साथ साथ जो इसका बूट है वो ओपन कर सकते हैं। बोनट आप यहां से ओपन कर सकते हैं। आइए बैठते हैं गाड़ी में, दिखाते हैं इसके बेस में क्या कुछ फीचर्स ऑफर किए गए हैं। तो सबसे पहले यहीं से आप ORVM को एडजस्ट कर सकते हैं। स्टीयरिंग के एडजस्टमेंट की बात करेंगे, टिल्ट वे में आप स्टीयरिंग को एडजस्ट कर सकते हैं। यहां पे आपको हॉर्न दिया गया है। हेडलैम्प्स के कंट्रोल्स यहां पे आपको वाइपर्स के कंट्रोल्स मिल जाता है। ओडोमीटर मैं आपको दिखा देता हूं, तो आप देख सकते हैं काफ़ी इन्फॉर्मेटिव आपको MID ऑफर की गई है। और यहीं से गाड़ी के फ्यूल इकोनॉमी, ट्रिप, AV सारी चीज़ों को चेक कर सकते हैं। स्पीडोमीटर यहां पे ऑफर किया गया है। फ्यूल का लेवल के साथ साथ कूलेंट का लेवल आप यहां से चेक कर सकते हैं। सारी चीज़ें ऑफर की गई हैं। ऊपर देखेंगे तो यहाँ पर आपको टिकट होल्डर हो गया, मिरर वगैरह नहीं ऑफर की गई है। मैनुअल IRBM हो गए, और यहाँ देखेंगे तो यहाँ पर आपको LED लाइट्स ऑफर की गई हैं। जब आप सेंटर पर नज़र डालेंगे तो मेजर सिस्टम आप एसेसरीज के तौर पे लगवा सकते हैं। और यहाँ देखेंगे तो हज़ार लाइट ऑन करने के साथ साथ 2 AC बैंड्स ऑफर किए गए हैं इसके सेंटर में। यहाँ देखेंगे तो आपको मैनुअल AC मिलेगी, आप अपने हिसाब से कंट्रोल कर सकते हैं। 12 वोल्ट की चार्जिंग सॉकेट दी गई, स्टोरेज वगैरह दिया गया है, फ़ोन वगैरह आप यहाँ पर रख सकते हैं। और यहाँ देखेंगे तो 5-speed मैनुअल ट्रांसमिशन गियर बॉक्स ऑफर किया गया है, 2 का फोल्डर के साथ साथ आपको नॉर्मल सा हैंडब्रेक क्रोम इंसर्ट के साथ में। तो ऐसे कुछ इंटीरियर से नज़र आती है। अगर जो आप इसमें तकरीबन 20-30 हज़ार रुपया दे देते हैं तो आपको पावर विंडो, फर्स्ट क्लास पावर विंडो मिल जाएगा, म्यूजिक सिस्टम मिल जाएगा, सेंटर लॉकिंग मिल जाएगा, सारी चीज़ों का ऑप्शन आपको मिल जाता है। एसेसरीज के तौर पे आप सारी चीज़ें ले सकते हैं। और मेरे हिसाब से भाई आज के टाइम पे कोई भी सेफ्टी को लेकर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहता है। तो आइए अब हम आपको चेक करवा देते हैं इसका रियर सीट कंफर्ट कैसा है, फिर आपको चेक करवा देते हैं इसका इंजन। यहीं से इसका बोनट जो है वो ओपन कर सकते हैं। 2.2 लीटर का 3 सिलेंडर इंजन जो कि 84 BHP की पावर निकालता है, 113 NM का टॉर्क निकालता है। और भाई इतने छोटे सेगमेंट में 19 की माइलेज कंपनी क्लेम करती है।
तो दोस्तों ये था इस गाड़ी का एक्सटीरियर इंटीरियर सारे फीचर्स, और देखा जाए भाई जिस हिसाब से प्राइस है ना उस हिसाब से तो आपको कहीं ना कहीं छोटा मोटा कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। उसके बाद अगर जो आप 30 से 35 हज़ार रुपया अगर जो आप इसमें दे देते हैं ना तो ये बिल्कुल आपको टॉप मॉडल वाली फील जरूर देगी। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद। ऐसी कुछ आपको की मिल जाती है, बेस मॉडल है तो सेंटर लॉकिंग वगैरह नहीं मिलेगा। ये है कि सेंटर लॉकिंग का ऑप्शन आपको मिल जाता है एसेसरीज में।